तो मूवी स्टार्ट होती है मॉरिशियस के आइलैंड में, जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपनी एंजॉय करी हुई लाइफ की वीडियोस देख रहे होते हैं। लड़के का नाम होता है जैक्सन और लड़की का नाम होता है सारा। सारा और जैक्सन ने यहाँ पर काफी मौज मस्ती करी, पर अब सारा जैक्सन से कहती है कि यार देखो मेरे को अब जॉब पर जाना है क्योंकि मैं एक साल से यहाँ पर हूँ और मेरा बॉस मेरे पे काफी गुस्सा होगा। पर जैक्सन कहता है अरे छोड़ ये सब जॉब वगैरह, हम लोगों को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पर सारा कहती है कि यार काम भी तो जरूरी है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो जैक्सन कहता है उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, तुम मेरे साथ बस यहाँ पर एंजॉय करो। पर सारा को लंदन जाना था अपने जॉब के लिए, तो अब जैक्सन यहाँ पर बियर लाने के लिए उठता है और ये लोग पहले से ही काफी ज्यादा बियर पी चुके थे, तो जैक्सन को एक नंबर लगती है। और वो जैसे ही वहाँ पर एक नंबर करने जाता है, सारा अपना मन बना लेती है यहाँ से जाने का, और वो जैक्सन को बिना गुड बाय कहे वहाँ से चली जाती है और बेचारे जैक्सन का पोपट हो जाता है। और जैक्सन सोचता है जिसके साथ बिताई रात, जिसके साथ देखा नया सवेरा, वो जॉब के चक्कर में काट के चली गई मेरा, और अब एक साल बाद हमको फिर से सारा दिखाई जाती है। तो सारा ने एक साल तक अपनी जॉब कंटिन्यू करी, पर वो आज टैक्सी से एयरपोर्ट जा रही क्योंकि मॉरिशियस में उसके एक दोस्त की शादी है। और सारा की दोस्त काफी एक्साइटेड होती है कि सारा भी उसकी शादी में आ रही, और अब सारा पहुंच जाती है मॉरिशियस और ये जो गाड़ी होती है उसी की दोस्त की होती है। तो सारा यहाँ पर मॉरिशियस के जंगल के अंदर घुसे जा रही होती है और वो एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोकती है, और वो जैसे अंदर घुसती है उसके स्वागत के लिए था जर्मन शेफर्ड, और सारा ऊपर चढ़ जाती है कि इससे पहले ये कुत्ता पहुंचाए उसको पीड़ा। और सारा यहाँ पर आई थी क्योंकि उसको चाहिए थी इस आदमी से मदीरा। इस आदमी का नाम होता है सोलोमैन, सलमान नहीं, सोलोमैन। और सोलोमैन उसको देता है काफी ज्यादा मदीरा। दरअसल सोलोमैन उसको जानता है क्योंकि वो पहले भी मॉरिशियस में आ चुकी है, और जब वो अपनी दोस्त के पास वापस आती है तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मेरी शादी है वहाँ के लिए एक फेरी जाती है, फेरी यानी कि एक बोट, और इससे हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर मेरी शादी होने वाली है, और तुम कहीं पर भी घूमो पर जब उस फेरी का टाइम हो तो चुपचाप वहाँ पर आ जाना क्योंकि वो लास्ट बोट होगी। और तभी मैं एक बात नोटिस करता हूँ सारा की, ये अंग्रेज लोग बात कैसे करते यार, हेलो जैसे कि इनके गले में 500 साल की खराश हो। नहीं आप लोग खुद ही सुन लो। Important job. It's very important. I have a laptop. Women. खैर हम इस चीज को करते हैं इग्नोर। तभी सारा करती है एक बोट के पास कॉल, जहाँ पर होता है जैक्सन, जिससे उसका एक साल पहले प्यार का नाता था और अपने जॉब में जाने के लिए इसने जैक्सन का काटा था। तो यहाँ पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। तो सारा की दोस्त बताती है कि मैंने ही उसको अपनी मैरिज में बुलाया क्योंकि तुम भी मेरी दोस्त हो, वो भी मेरा दोस्त है। पर सारा जैक्सन को सॉरी कहना चाहती है क्योंकि उसको काफी बुरा लगा उस दिन के लिए। तो वो आज डिसाइड करती है कि वो आज रात में जैक्सन से बात करेगी और उसको बोलेगी सॉरी, और वो जैक्सन से बात करने लगती है बिना मतलब के। पर जैक्सन उसको करता है इग्नोर क्योंकि उसको लग रहा था यार जो लड़की एक बार काट गई उसको दोबारा काटने में कहां देरी लगेगी। और जैक्सन दुखी अवस्था में यहां से जाने लगता है और उसका पीछा करती है सारा। कि तभी उसकी दोस्त बोलती है पीछे से कि कल सुबह 7:30 बजे हमको बोट पकड़ना है क्योंकि मेरी शादी है, और अगर तुमने मेरी शादी मिस करी तो मैं तुमको मार डालूंगी। तभी दोनों ही वहां पर जाते हैं जहां पर इस समय जैक्सन रुका था, और इन दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती है। सारा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छे पल बिताए, पर जैक्सन मन में सोचता है हाँ हाँ सब मानो तुम क्या चाहती हो। पर जैक्सन उसको वो नहीं देना चाहता वो जो चाहती है, यानी कि प्यार संस्कारी वाला, क्योंकि वो उससे काफी गुस्सा है। यार जाहिर सी बात है कोई किसी को प्यार करता और वो ऐसे बिना उसको बताए छोड़ के चले जाए तो यार गुस्सा तो आएगी। अब नॉर्मल बहस में क्या होता कि इंसान एक दूसरे को गाली देता और एक दूसरे से दूर चला जाता, पर इनके यहाँ भाई सब अलग ही नियम है। ये लोग बहस करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते और हमको बिस्तर में अपने संस्कार दिखाते। पर अगली सुबह धीरे से सारा वहाँ से निकल जाती है और जैक्सन उसको जाते हुए देख लेता है। और जब सारा अपने रूम में पहुँचती है तभी उसकी दोस्त का फोन आता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो, ये लास्ट बोट है जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। और अब सारा समझ जाती है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कि तभी उसको याद आता है अपना एक दोस्त जो कि था एक पायलट जिसका नाम होता है फ्रेडी। फ्रेडी सारा को जानता है क्योंकि ये लोग पहले मिल चुके हैं। और सारा फ्रेडी से कहती है कि मुझको रोडीजस जाना है। रोडीजस वही जगह होती है जहाँ पर उसकी दोस्त पहुँचने वाली है फेरी के साथ। तो फ्रेडी कहता है हाँ मुझको भी जाना शादी में। फ्रेडी कहता है जल्दी से मेरे अड्डे पे आ जाओ। और सारा यहाँ पर पूरे इंतजाम के साथ आई थी चूंकि आप इस पेटी में देख सकते हो। और फ्रेडी उसको देख कर काफी खुश होता है, पर फ्रेडी की तबीयत यहाँ पर काफी खराब होती है। कि तभी यहाँ पर आता है जैक्सन और सारा की सारी हवा निकल जाती है क्योंकि वो फिर एक बार जैक्सन को छोड़ के आ गई थी बिना उसको बताए। और अब जैक्सन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। दरअसल जैक्सन भी उसी शादी में जा रहा था।
या फ्राइडे यहाँ पर एरोप्लेन उड़ा रहा होता है, तभी वो सारा से कहता है कि पीछे मत बैठो, आगे मेरे साथ आकर बैठो, तुम एक दो बार इस प्लेन को उड़ा चुकी हो। पर सारा कहते है कि नहीं, मुझको डर लगता। तो फ्राइडे बोलता है, मुझको मतलब नहीं है, तुम उड़ाओगी इसको आज, मैं इसको ऑटो पायलट से मैनुअल पर कर दूंगा, फिर तुम इसका कंट्रोल संभालोगी। और जैक्सन आराम से यहाँ पर सो रहा होता है, और जब जैक्सन उठता है तो उसको प्यास लगती है और वो बोतल लेने के लिए पीछे को जाता है, और जैक्सन ढूंढ रहा होता है यहाँ पर पानी। और वहाँ पर पायलट फ्रेडी की निपटने वाली थी कहानी, क्योंकि फ्रेडी को यहाँ पर आ चुका था हार्ट अटैक। और सारा कहते कि जल्दी से पानी लेकर आओ, पर जैक्सन जब तक पानी लाता, पर जब तक फ्रेडी की आत्मा ने छोड़ दिया था उसके शरीर से नाता, और वो लीवर के ऊपर गिर जाता है, जिससे प्लेन एकदम रफ्तार में नीचे की ओर जाता है, और पीछे से एक भारी सामान जैक्सन की तरफ आता है, और ये ऑटो और मैनुअल कंट्रोल करने वाला सिस्टम टूट जाता है। और ये दोनों ही कोशिश करके फ्रेडी को पीछे की ओर खींचते हैं, और सारा उस प्लेन को संभाल लेती है, और ये लोग रेडियो से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी से उनकी बात हो जाए, जिससे वो इस प्रॉब्लम से निकल सके, और वो अलग अलग चैनल से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पर ये रेडियो पूरी तरीके से खराब हो चुका था और सही से काम नहीं कर रहा था, और अब ये दोनों काफी घबराए आते हैं। नहीं, आप लोग खुद अपने आप को इस जगह पर इमेजिन करके देखो, मतलब आप किसी के साथ हो और आप ऐसे एरोप्लेन में फंस जाओ जिसका पायलट टैम भूल गया, और आपको एरोप्लेन का ए भी नहीं आता, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। और ऐसी ही परिस्थिति थी इन दोनों के सामने कि तभी उनसे एक आदमी कनेक्ट होता है, और ये आदमी प्लेन का नंबर पूछता है। तो लोग बताते हैं 227, मेरे साथ है जैक्सन और मेरा नाम है सारा, और जो इस एरोप्लेन का पायलट था वो इस प्लेन को उड़ाते उड़ाते मर गया बेचारा, और अब आप हमको बताओ कि हम किस साइड को आए। तभी आदमी कहता है कि आप लोग वेस्ट की तरफ आओ, क्योंकि वेस्ट के करीब टापू आएगा और तुम लोग वहाँ पर लैंड कर सकते हो। तब सारा कहती कि मुझको यार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कैसे एरोप्लेन उड़ाते, मैंने बस फ्रेडी के साथ 2 साल पहले थोड़ा बहुत उड़ाया था, पर मुझको लैंड करना बिल्कुल नहीं आता। पर तभी इस रेडियो के आदमी का कनेक्शन टूट जाता है, और जैक्सन कहता है कोई बात नहीं, वो हमसे बाद में भी कनेक्ट हो सकता है, फिलहाल तुम एरोप्लेन को वेस्ट की तरफ ले जाओ। अब इस एरोप्लेन के अंदर एक कंपास होता है जो कि दिशा में इनकी हेल्प करता है, और इनको जाना था वेस्ट की तरफ, पर वेस्ट की तरफ होता है काफी भयानक तूफान, पर टापू पे जाना है तो वेस्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो सारा अपना एरोप्लेन वेस्ट की तरफ घुमा देती है। इनके पास इतना ज्यादा भी पेट्रोल नहीं था कि बस यहाँ पर उड़ते ही रहे, इसलिए इनको ये रिस्क लेना पड़ा। पर तूफान के अंदर पहुंचने के बाद इनके एरोप्लेन को काफी झटके लगते हैं, और सारा इस झटके से बचने के लिए एरोप्लेन को बादलों के ऊपर ले जाना चाहती है, जो कि काफी डेंजरस था, क्योंकि ऐसा करने के लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बादलों के ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, पर लड़कियां किसी की कहां सुनती। जैक्सन मना करता रह जाता, पर सारा नहीं सुनती और ले जाती है एरोप्लेन को बादलों के ऊपर। और जैसे ही दोनों बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो इनको थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अब इनको झटके नहीं मिल रहे, पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सारा को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं, और सारा हो जाती है थोड़ी देर के लिए बेहोश, और ये एरोप्लेन फिर से काफी रफ्तार में नीचे आने लगता है कि तभी सही मौके पर जैक्सन सारा को संभाल लेता है, और ये लोग अपने एरोप्लेन को सही स्थिति में ले आते हैं, और ये लोग दोबारा से उस रेडियो से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, पर इनका संपर्क नहीं बन पा रहा था। पर तभी इनकी नजर जाती है फ्यूल पर, वो देखते हैं कि फ्यूल धीरे धीरे नहीं काफी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा, और इनको रियलाइज होता है कि वो बिजली की झटकी की वजह से पेट्रोल की टंकी का पाइप खुल गया और इनका कंपास भी अब काम नहीं कर रहा। तो अब जैक्सन कहता है कि मुझको प्लेन के बाहर जाना पड़ेगा और उस पाइप को बंद करना पड़ेगा, और अब जैक्सन अपने जान को खतरे में डालकर धीरे धीरे करके उस फ्यूल के पाइप के पास पहुंचता है, और जब वो फ्यूल के पाइप के पास टेप लगा लेता है तभी लौटते समय उसके हाथ में काफी जोर से झटका लगता है और उसका एक हाथ काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर तभी सारा उस प्लेन में बेल्ट को लगाकर जैक्सन को प्लेन के अंदर खींच लेती है। अब इनके पास दवाई तो होती नहीं है, तो ये लोग यहाँ पर मदीरा का इस्तेमाल करते हैं, पर इनका फ्यूल काफी उड़ चुका था, तब इनको ऐसा लगता है कि इस प्लेन से इनको काफी भारी भारी चीजें गिरा देना चाहिए, जिससे प्लेन का वेट हल्का हो जाए और एरोप्लेन रफ्तार में आगे बढ़े। और अब आप लोग सोचिए, ये लोग क्या गिराते हैं। ये लोग फ्रेडी को ही गिरा देते हैं, मतलब फ्रेडी की आत्मा भी लाइक। अब ये सब करने से इनके प्लेन की रफ्तार बढ़ती है, पर फ्यूल तो कम था, तो इन लोगों को समझ में आता है कि मदीरा भी पेट्रोल का काम करता है, पूरी तरीके से नहीं पर थोड़ा बहुत तो करता है। तो अब सारा अपनी जान को खतरे में डालकर मदीरा की बोतल को पेट्रोल के टैंक में भरने लगती है। हमको ये सब देखने में कितना आसान लग रहा, पर अगर असली में आप अपने आप को इस परिस्थिति में इमेजिन करके देखो तो आपका गला सूख जाएगा। पर जब बात मौत की आती है तो अपने आप को बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो जब सारा वापस आती है प्लेन के अंदर, तब जैक्सन कहता है कि शायद मैंने रास्ते में एक टापू देखा। अब इनके पास दो कंडीशन थी, या तो ये लोग आगे बढ़ते जाए या तो ये लोग उस टापू पर लैंड हो जाए, क्योंकि इनके पास फ्यूल काफी कम था। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं उस छोटे से टापू में उतरने का। पहले तो उनको वो टापू नहीं दिखता, तो दोनों को ऐसा लगता है कि अब दोनों का राम नाम सत्य होने वाला है। और सारा जैक्सन से सॉरी कहती है कि उसने जो भी जैक्सन के साथ किया वो उसके लिए काफी सॉरी फील कर रही। पर अभी यमराज का मूड नहीं है इन दोनों को ऊपर बुलाने का।
क्योंकि इन दोनों को दिख जाता है पास में टापू और ये लोग डिसाइड करते हैं लैंड करना। पर जितना कठिन एरोप्लेन को उड़ाना है उससे कहीं ज्यादा कठिन उस एरोप्लेन को लैंड कराना है। और ये लोग धीरे धीरे करके एरोप्लेन को समुद्र के करीब में लाते हैं और एरोप्लेन की रफ्तार धीरे धीरे कम कर देते हैं, जिससे अगर इन दोनों का प्लेन क्रैश हो तो ज्यादा बड़ा झटका ना लगे। और जैसे ही इन दोनों का प्लेन क्रैश होता है इनको इतना बड़ा झटका नहीं लगता और ये दोनों ही समुद्र के नीचे की ओर आने लगते हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यमराज इन दोनों को ऊपर नहीं बुलाना चाहते, तो इनका प्लेन एक चट्टान के पास फंस जाता है, क्योंकि अगर ये प्लेन सतह में चला जाता तो इनको खुद यमराज भी नहीं बचा पाता, क्योंकि सारा सही समय पर गेट खोल देती है और वो जल्दी से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। पर वो क्या देखते है कि वहाँ पर जैक्सन नहीं आया और वो नीचे पहुँच कर दोबारा देखती है तो वो क्या देखते है कि जैक्सन प्लेन में ही फंसा रह गया और अब प्लेन धीरे धीरे खिसकने लगता है। पर उससे पहले ही सारा जैक्सन को वहाँ से छुड़ा लेती है और प्लेन चला जाता है समुद्र की गहराइयों में। पर ये टापू के नाम पे धप्पा होता है, ये सिर्फ एक रेत की परत थी और इन दोनों को मालूम था कि अगर ये दोनों यहाँ पर इंतजार करेंगे तो इनकी पुश्तें बीत जाएंगी पर कोई भी बोट नहीं आएगी। ये लोग डिसाइड करते हैं तैरने का और अंदाजे से वेस्ट की तरफ जाने का। पर यहाँ पर जैक्सन की हिम्मत टूट रही थी और उसका जो हाथ था वहाँ से खून निकल रहा था कि तभी हम लोग देखते हैं समुद्र में एक शार्क को और हमको ऐसा लगता है कि अब इन दोनों में से एक का राम नाम सत्य होने वाला है, कोई बहुत ही जल्दी फ्रेडी से मिलने वाला है। कि तभी इन दोनों को यहाँ पर दिख जाती है एक बोट और इन दोनों की खुशी सातवें आसमान पर होती है। सारा पहले जैक्सन को चढ़ाती है फिर खुद चढ़ती है और हमको सारा के पैर दिखाए जाते हैं और अब हमको ऐसा लगता है कि अचानक से यहाँ पर शार्क आएगी और सारा का पैर पकड़ लेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस मूवी के मेकर ने वो शार्क हमको पप्पू बनाने के लिए दिखाई। दोनों सही सलामत बोट में बैठ जाते हैं और शार्क भी लाइक। पर अब सारा जैक्सन से वादा करती है कि वो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, वो उसी के साथ हमेशा जिंदगी बिताएगी और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हमको रोज सुबह उठ के गला साफ करना चाहिए वरना हमारी आवाज भी कुछ ऐसी हो सकती है। तो मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ एक ही सवाल, अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते और आपके प्लेन का भी पायलट टाइम बोल जाता तो आपका दूसरा साथी यहाँ पर कौन होता